हमजा अली अब्बासी अपनी एक्टिंग और साफ गोई की वजह से कुछ को प्यारे हैं और कुछ के लिए कंट्रोवर्शियल। वुमेन सेंट्रिक ड्रामे के दौर में किसी मेल एक्टर की वजह से ड्रामा देखा गया है तो वो हमजा हैं। इनकी शख्सियत के कई रंग हैं। एक्टर सोशल एक्टिविस्ट हमजा अली अब्बासी आज कॉन्वर्सेशन में हमारे गेस्ट हैं। आई एम वेरी टेम्प्टेड टू आस्क कि आपके जो लिटरली अमेरिकन मूवी स्टार वाले दांत नहीं होते, मेरे ख्याल से आप वाहिद एक्टर हैं जिनके इतने हसीन सफेद चमकते हुए दांत हैं। नहीं, वो इस वजह से कि मैंने अभी रिसेंटली साफ करवाए। नहीं, लेकिन बहुत से लोग साफ करवाते हैं लेकिन इस तरह नहीं चमकते उनके दांत। नहीं, शायद इस वजह से कि मैंने कल परसों साफ कराए। अच्छा, फिर तो बहुत ही रीसेंट। दैट हैज बीन गुड टाइमिंग। अभी हफ्ते दो बाद मिलेगा, जितनी मैं कॉफी पीता हूं जब नॉर्मल हो जाएगा कॉफी पी पी के। ठीक है। अच्छा, कभी इरादा है जिंदगी में क्लीन शेवन होने का? नहीं जी, मैं एक दफा मैंने क्लीन शेव की थी, इट वाज अ व्हाइल बैक। ओके। तो जब आपकी अपनी सगी माँ आपको क्लीन शेव की हालत में देख के आपको ऑलमोस्ट डिसओन कर दे, तो मेरे ख्याल उसके बाद आपको क्लीन शेव नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए आई वुड टेक माय मदर्स एडवाइस एंड इट्स बीन 8 years, 7 years सिंस आई हैवंट क्लीन शेव एंड आई थिंक मैं दाढ़ी नहीं काटूंगा कभी। नहीं काटोगे? मैं बहुत ही मेरे ख्याल से बुरा लगता हूँ दाढ़ी के बगैर। वन ऑफ दोस फेसेस जो दाढ़ी के बगैर बहुत अजीब से लगता है, ज्यादा स्मूथ। और ये मेरी अपनी अपनी सगी वालदा का फीडबैक है, सो आई शुड बिलीव इट। तो यू शुड, बिकॉज़ हां सही बात है, हर मां को अपना बच्चा जो है बड़ा खूबसूरत लगता है। और लेकिन जब वो मां कहे कि पुत्र एक ही कीता तू, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर सही है। हां ठीक है, फिर तो ठीक है। अच्छा, तुमने किसी इंटरव्यू में कहा था कि तुम्हें कभी भी सही तरह से प्यार नहीं हुआ है किसी से। इस बात में सच्चाई है दैट यू हैव नेवर रियली बीन इन लव? 100% सच्चाई है। वो जो एक आप स्टोरी सुनती हैं कि मुझे प्यार हो गया था, फिर इश्क में नाकामी हो गई, ब्रेकअप हो गया, मैं शादी करना चाहता था उससे, मुझे अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ? तो मैं, मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है शेयर करने के लिए कि मेरा भी दिल टूटा था, मैं भी रोया था, तो उस तरह की अभी तक तो नहीं है। अच्छा, लेकिन इस बात को बिलीव करती हूँ क्योंकि ज्यादातर मेरे जितने भी दोस्त हैं बंदे या बड़े कजन्स वगैरह भी जो हैं, वो कहते हैं कि बंदों में और बंदियों में एक फ़र्क है कि बंदियां जो हैं वो हमेशा एक एनालाइज करेंगी, देखेंगी कि ये बंदा मेरी फैमिली के साथ कैसा है, ये कैसा है, मेरी दोस्तों के साथ कैसा है, मेरा ख्याल रखेगा, ब्ला ब्ला। बंदों के साथ इट्स इंस्टिंक्टिव। लाइक हैज दिस हैपेंड विद योर फ्रेंड्स कि वो मिलेंगे किसी से और उनको फौरन पता होगा कि ये ही बंदी है? बिल्कुल, लेकिन अक्सर बड़ा गलत होता है। अच्छा, गलत हो जाता है? Because I believe कि शादी is not I love you, you love me, let's get married. God no. शादी is not, मेरे इतने दोस्त हैं जिनकी शादी इस बात पे कि यार मुझे इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है. Just on the physical looks, you end up getting married to the person and you don't realize कि शादी इतनी बड़ी responsibility होती है. अच्छा, कोई funny मुझे incident बताओ तुम्हारे साथ जैसे हुआ हो कि, I mean you're incredibly good looking and you know that. But ये तो मसला हुआ होगा ना तुम्हारे साथ, ये हुआ होगा कि लड़कियां तुम्हें approach करती होंगी even before you were Hamza Ali Abbasi. नहीं नहीं, जो मुझे अभी तक याद है ना, वो है कि जो मुझे जिंदगी में पहली दफा एक बंदी बड़ी पसंद आई थी, खातून, और वो आई वाज आई थिंक इन फिफ्थ ग्रेड, तो आर्मी पब्लिक मुल्तान की बात है। तो मैंने, मुझे कुछ समझ नहीं आई, मुझे अच्छी लगती थी तो, और मैं बहुत मोटा होता था, बहुत मोटा होता था। मैं अब देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मैं, लेकिन मसला ये कि मैं अपने आप को बहुत हैंडसम समझता था, मोटा था, स्पाइक्स थे मेरे, और तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से जाके मैंने फूल लिया है। ओए क्यूट, आई नो, आई वुड नेवर डू दैट नाउ। मैंने फूल लिया और मैंने जाके उसको फूल दिया, मैंने कहा कि तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो, एंड शी स्टार्टेड लाफिंग एंड शी टोल्ड ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स कि यार यू नो व्हाट हैपेंड, आई वाज नोन एज द क्यूट मोटा किड, राइट? यार मुझे दुख बड़ा हुआ, लेकिन दैट्स हार्टब्रेकिंग। उस वक्त हार्टब्रेकिंग था, और मजे की बात, उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हंस क्यों रही है, बिकॉज टू माई सेल्फ आई वॉज अ वेरी गुड लुकिंग बॉय, राइट? लेकिन फिर अब हंसी आती है जब मैं देखता हूँ कि बड़ी हिम्मत थी मेरे अंदर। As much confidence I have, I'm very good with talking with women. At one point in time, I was even good in flirting with women.
बट अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं फूल दे दूँ। हाँ, अब तो बचपन है, अब तो हाँ जरा बड़े हो गए उसके लिए। बड़ा अच्छा, अब थोड़ा हम फन करेंगे। ओके, हमारा एक सेगमेंट है। गेम्स तो नहीं खेल? नहीं वो वाला नहीं, क्योंकि उससे सोफे से हिलना पड़ेगा और वो बड़ा मसला होता है। हम बहुत लेजी, बहुत लेजी नेशन है। तो बेसिकली इसमें ये होगा कि मैं कुछ आपको बताऊंगी चीजें और आपने मुझे बताना है, लाइक आई टेक सम नेम्स ऑफ थिंग्स एंड यू हैव टू टेल मी कि कौन से एक्टर या एक्ट्रेस को इसकी जरूरत है। ठीक है? एंड इट्स वेरी फास्ट, मुझे सोचना नहीं। मुझे फ्लू है तो मैं थोड़ा स्लो हुआ हूं। नहीं नहीं, इतने स्लो नहीं होना ना, कोशिश करना थोड़ा स्पीड अप कर लो, क्योंकि इसमें ओके लेकिन इसमें बहुत सोचोगे तो मजा नहीं आएगा गेम में। ठीक है ना? तो किस एक्टर या एक्ट्रेस को जिम मेंबरशिप की जरूरत है? अहमद अली भट्ट। किस एक्टर या एक्ट्रेस को थेरेपिस्ट की जरूरत है? थेरेपिस्ट की, एज इन साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट, हमजा अली बासी। ओके, किस एक्टर या एक्ट्रेस को एक्सोसिज्म की जरूरत है? जिन निकालने के लिए। I should better name one of my guy friends just to be safe. I think that's unfair. Gaurashi. कितने बुरे हो? I mean, अजीब, अपने सारे दोस्तों के नाम ले रहे हो ताकि अब वो फिर कुछ। अच्छा, किस एक्टर या एक्ट्रेस को जेल टाइम की जरूरत है? जेल जाने की जरूरत? जेल जाने की जरूरत है? Definitely हुमायूं सईद एंड गौरशीद, for actually इंडस्ट्री में नहीं होते, टेलीविजन या फिल्म इंडस्ट्री में, तो फिर ये क्या कर रहे होते? मीरा वुड बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन। ओके, मिकाल? मिकाल डेफिनेटली या तो एयरफोर्स या आर्मी। ओके, साइमा? साइमा हाउसवाइफ। ओके, मोहित मिर्जा? मोहित मिर्जा बैंकर। यासिर हुसैन? यासिर हुसैन वुड बी गैंगस्टर। फ्री अल्ताफ? फ्री अल्ताफ वुड बी, शी इज नॉट एन एक्ट्रेस। I know, but she's kind of in the entertainment sort of industry. Yeah, but if she was not doing what she is doing, she should have been an actress. Okay. Maya Ali, pilot. Acting ability mein zara inko please rate kare in logon ko, theek hai? Maya Ali, Sana Javed, Suhail Ali Abro. Acting mein. ओके, अब जब मैं इन लोगों के या इन चीजों के नाम लेती हूँ, आपको एक लव्स बोलना है विच मेक्स यू थिंक, एक एसोसिएशन गेम जो होता है ना। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप वेरी एक्सट्रीमिस्ट। ओके, ड्रग्स बैड, कॉमन दीज डेज। आइटम नंबर्स should be banned, okay, at least from Pakistan. Okay. And ek aur loves add karunga, not required. Okay. Insult to women. Okay. Marriage someday. Sahi hai. Plastic surgery. Sister. My sister is a dermatologist and a plastic surgeon. So. Fantastic. Okay, I'm glad you clarified. Otherwise, America will think that your sister needs plastic surgery. You're going to get beaten up when you're going to get it. She is a plastic surgeon and a dermatologist. Okay. Achha, acting ability, mein zara inko please rate kare in logon ko. Theek hai? Yasir Hussain, Firoz Khan, Fahad Mustafa. Achha, Firoz ki honestly, maine abhi dekhi nahi hai. Okay. Acting. Yasir Hussain in comedy, definitely. Okay. And Fahad in Fahad too is amazing. I think number one Fahad. Phir khawateen mein Maya Ali, Sana Javed, Suhail Ali Abro. Acting mein. I think I'll be honest, isliye koi offend na ho. Mera khayal hai ke Suhail and Maya they take the first place, and then Sana. Then Sana. Yeah. Okay. There's no third place. Okay. ठीक है. आपकी वालदा क्या रोल प्ले करती हैं आपकी जिंदगी? मेरी वालदा का जी, she is a very powerful woman. We basically जो मेरे वालिद साहब थे, he played the role of more of a mother, and my mother was always more like a father.
Okay. She's a very strong woman. She's one of the very few criminal lawyers of Pakistan. मुल्तान के छोटा सा गांव है मौजा शेर सिंह वहां से वो हैं मेरे नाना अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे उस वक्त उनको साइकिल पे बिठा के स्कूल लेके जाते थे फिर उन्होंने लॉ किया फिर उस वक्त सियासत में थी उन पे अजीब अजीब किस्म के इल्जाम लगे यू नो हाउ वुमेन व्हेन दे गो आउट इन पाकिस्तान तो माय मदर हैज बीन थ्रू दैट और जो कहानियां सुनाती दैट मेक्स मी फील लाइक के इफ दैट ट्रीटमेंट टू अ वुमन can have this effect on my mother who has nerves of steel to ek aam aur ke upar kya hota hoga aur ye badi tragedy hai mera khayal thoda sa behtar hua hai jaise aapne kaha item numbers pe right ke ye galat hai I understand kyunki as a woman main agree karti hu is baat se ke you know it is sort of marketing women जैसे एडवर्टाइजिंग में भी हर जगह एक औरत ही होती है तो टूथपेस्ट बेचने के लिए खूबसूरत औरत की क्या जरूरत है बच्चे को दिखा दो साफ दांतों के साथ दिखाओ खूबसूरत औरत हाँ बड़े अच्छे तरीके से दिखाओ लेकिन लेकिन आप उसको क्या कहते हैं देखिए देयर इज समथिंग व्हिच इज हालांकि आई बिलीव दैट मेन शुड नॉट टेल वुमेन व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर इन देयर पर्सनल लाइव्स ओके ठीक है इन योर पर्सनल लाइफ You can suggest something, but you can't force anybody or tell anybody कि आपने ये पहनना और ये नहीं पहनना. I can't tell my sister what to wear and what not to wear. But when you talk about a public medium, ये लोग distinguish नहीं कर पा रहे. लोग समझते हैं मैंने किसी की private life के बारे में कुछ कहा. जैसे कई हमारी ख्वातीन हैं जो मीडिया के अंदर मुझे मिलती हैं they're like so you tell me they taunt at me कि you don't like what I'm wearing and I'm like I really don't care what you wear in your personal life yeah but when you talk about films dramas commercials it's a public medium and hence throughout the world you have censor boards होते हैं yeah ठीक है क्योंकि जो पब्लिक में चीज आ रही होती है ना फिल्म ड्रामा उसका एक इम्पैक्ट भी होता है ना पब्लिक के ऊपर and hence it's open to public criticism So I believe ke in public, on public mediums, you should not insult women like this. But what if the woman who's doing it doesn't think she's being insulted by doing it and it's her choice it's her... to do that? Ya to aap kisi ko pakad ke force kar rahe ho ki ye karo. Again, dekhen. Personal life aside. ठीक है मैं पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ वो एक पर्सनल डिसीजन हो गई ना तो पब्लिक ही हुई ना एक्ट्रेस की डिसीजन है तो फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू सर बिकॉज़ दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट दिस इज देयर इज नथिंग क्रिएटिव इन इट दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट और आप देखिए जो बॉलीवुड की ट्रैश मूवीज होती हैं द लीस्ट क्रिएटिव पीपल देयर मेक ट्रैश मूवीज ओके सो आई बिलीव नंबर वन It's the lowest form of entertainment. Number two, I think it's having a very, very bad impact on our boys, men, and women at the same time. एक अब अगेन कोई ऑफेंड ना हो जाए एक तो ऑफेंड हम बहुत जल्दी हो जाते हैं ये बड़ा हमारी सोसाइटी में मसला है हम छोटी छोटी बात पे ऑफेंड हो जाते हैं इसलिए प्लीज कोई ऑफेंड ना हो बट देखिए जब आपको लोग चाहते हैं आपको इफ पीपल लुक अप टू यू इफ इफ अल्लाह ने आपको थोड़ी सी इज्जत शोहरत दी है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ठीक है अब छोटे बच्चे हैं बच्ची हैं वो आपको देख के आइडियलाइज करते हैं जैसे मैंने खुद एक मूवी की जवानी फिरनी यानी आई डिडंट एग्री विद इट मुझे बाद में रियलाइज हुआ यार कि जो बच्चे बच्चियां लोग मुझे देखते हैं दे वांट टू फॉलो मी आई डोंट want them to see me like this. तो बाद में क्यों अंदाजा हुआ तुम्हें? Because I mean you're very alert thinking. क्योंकि you grow as a person ना. अच्छा एक वो हो गया कि कर लिए चीज़ों करके अजीब सा लगा कि ये सही लगा. एक ज़माने में मेरे लिए item numbers भी मुझे I didn't really care. ठीक है but when you do realize के देखिए जब people know you people look at your work people get inspired from you आप मशहूर होते हैं वो actually responsibility होती है अच्छा एक और सवाल है सियासतदानों को लोग इतना follow नहीं करते अब वो छोटे बच्चे बच्चियां जब हमजा बासी को देखेंगे वो shirtless pool से निकल रहा है या वो किसी एक्ट्रेस को देखेंगे जिसको ड्रामों में इतना चाहते रहे हैं कि वो आइटम नंबर कर रही है विद द मोस्ट वल्गर लिरिक्स यू कैन इमेजिन इमेजिन द इम्पैक्ट ऑन देम सो यू आर इम्पैक्टिंग पीपल यू आर हैविंग एन इफेक्ट ऑन देम And hence, you should think what you're doing and what you're not. Can I ask you something? Okay, I agree with you. I have to admit, I can't disagree with you. फिर मुझे बताओ कि ये चीजें तुम्हें क्यों नहीं bother कर रही कि जो हर ड्रामा है, उसमें औरत पिस रही है, उसमें औरत जो है वो अपने हुकूक नहीं जानती, उसमें औरत जो है वो बेचारी अपने माँबाप के बात सुन रही है, तो इसमें क्यों नहीं बोल रहे तुम लोग? ये क्या है मेरे सर पे जो इसकी हंसी छुटी है?
तब्दीली। जो जितनी लड़की सीधी होगी, जो हमारी नज़र में एक सीधी होती है कि वो एक मासूम है, वो लड़ नहीं रही, वो अपने हकूक के लिए नहीं लड़ रही, वो अपने माँ बाप को जवाब नहीं दे रही, वो अपनी सास को जवाब नहीं दे रही, मियाँ जुल्म कर रहा है, वो उसमें पिस रही है, तो ये क्यों एक अच्छाई दिखाई जा रही है? गलत है, ये गलत है। इस पे भी कुछ किया जाए ना, उनको दिखाना चाहिए। नहीं, अब ड्रामे बन रहे हैं, जैसे नहीं बन रहे, वो एक हुमायूं सईद का 10 साल में दो बन गए बस। मेरे शायद का भी ड्रामा आया था, दिल लगी। हाँ, दिल लगी वाज अ ड्रामा। मेरा जो ड्रामा था प्यारे अफजल, उसके अंदर यू सीन वेरी स्ट्रांग वुमेन, इवन मनमायल को कंट्री। मनमायल का नाम नहीं लेना चाह रहा था, घुसा मार दो तुम्हें और माया अली को। देखिए वो आई एग्री कि वो जब 23 एपिसोड्स का ड्रामा आप 36 पे लेके जाएंगे तो यही होगा। बट उसमें भी कंट्री टू द पॉपुलर बिलीफ, मायास कैरेक्टर वाज नॉट ऑफ अ वीक वुमन, शी वाज अ वेरी स्ट्रांग वुमन, जो बीच में वीक हो जाती है। हाँ। बट आखिर में दिखाया कि शी कॉन्कर्स हर प्रॉब्लम्स, शी स्टैंड्स अप टू हर पेरेंट्स। आखिरी दो एपिसोड में क्यों दिखाते हैं? 36 एपिसोड तुम कह रहे हो, वो 32 एपिसोड रोते धोते पिस्ते में दिखा दिया, दो एपिसोड सही असल में था 23 का ना, तो उसको 36 कर दिया। हाँ। तो जो चीज एक एपिसोड में होनी थी वो 5 एपिसोड में होनी थी। अल्लाह, एक तो ये वाज अ टेक्निकल फॉल्ट, बट यू आर राइट, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, दैट इज आल्सो रॉन्ग। और औरत को एनकरेज करना टू बी सबमिसिव, जुल्म सहने को आप नोबिलिटी बनाएंगे, वो भी गलत है। That is wrong. बिल्कुल. So both of these things are wrong. अच्छा, अब हम एक और गेम खेलेंगे. This is called the guessing game. अच्छा. Okay. अब तुम्हें कार्ड्स अलग मिलेंगे और मुझे कार्ड्स अलग मिलेंगे. अच्छा. मेरे जो कार्ड्स होंगे वो मैं एक एक करके यहाँ रखूंगी, ठीक है, या यहाँ रखूंगी. आई कांट सी इट एक्चुअली, सो इट हैज टू बी अप हियर. एंड यू हैव टू गिव मी 5 क्लू तुमने मुझे देने, और मुझे गेस करना है कि मेरे सर के ऊपर क्या लिखा हुआ है. ओके, तो हमजा तुम कार्ड उठाओ, एक देखना नहीं मुझे, नहीं, हाँ मैं तो देख सकती हूँ. आप तो देख सकते हो. ओहो, उल्टा तो नहीं पकड़ा हो. अच्छा, हरा और लाल, पाकिस्तान. ओ, हरा और लाल, हरा और पीटीआई, इमरान खान. नहीं भाई, बस कर दो कहीं तो कोई. हरा और लाल नहीं, बस तुम आज पीटीआई की हम बात नहीं कर रहे. हरा और लाल इज द, तुम हर दिन बोलते हो पीटीआई. अच्छा, फ्रूट है भाई, फ्रूट है. अच्छा, हरा और लाल, एक्साइटेड हो गए हरा और लाल सुन के. तरबूज. हाँ, हरोलाल तरबूज, ये मैंने नहीं देखा हुआ, लेकिन चलो ओके, दो वर्ड्स हाँ. और प्रोग्राम है, एनिमेटेड प्रोग्राम था. ओहो, बुर्का वेंजर. हाँ, आज बाबा बंदूक. बाबा बंदूक. द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ट्रंप. अच्छा, चले एक्चुअली दोबारा पकड़ो. डोनाल्ड ट्रंप. अच्छा, दोबारा. हाँ, आई एम गोना बिल्ड अ वॉल. करो करो, इट्स एक्सलेंट, इट्स गोना बी ह्यूज. Donald Trump. It's gonna be huge. Kamala. अच्छा, अब आपकी बारी. Suddenly makes Pakistani politicians look kind of okay. हाँ, अच्छा, उल्टा कर रहे हो फिर. Oh, okay, interesting. जहां से आपकी वालदा हैं, वहां से तो आपकी वालदा मुल्तानी. मुल्तानी और दूसरा नहीं, नहीं, पहला लफ्ज मुल्तानी है और दूसरा है जब आप लगाते हैं और कहते हैं कि आपकी जिल्द के लिए भी बहुत अच्छी होती है. क्रीम जिल्द लगाते हैं और बड़ी अच्छी होती है. कबर. अबे कबर क्यों मुंह पे लगाएंगे, डिग कर रहे हैं ना, क्या मुल्तानी मिट्टी. हाँ, मुल्तानी कबर आपकी जिल्द के लिए बहुत मुल्तानी मिट्टी. हाँ, दिस वाज डिफिकल्ट है ना. चलो सीधा है? मेरी जहां से अम्मा है. अच्छा, और एक मीठा है मुल्तानी, वो ओ सोन हलवा. नहीं, हबशी हलवा. नहीं, नहीं, वो ठीक था लेकिन मुल्तानी उस मीठे को उसके शहर के नाम से जाना जाता है तो क्या कहते हैं, मुल्तानी हलवा. ये Why is Multan? I don't know. So, I think they just know that your mom's a strong influence in your life. And सीधा उल्टा. Oh, सीधा. अच्छा. Actor है. अच्छा. लंबा है बहुत. हुमायूं सईद. अच्छा. बहुत गोरा है. अच्छा. Younger generation of actors.
अब लास्ट है, गेस कर लेना, उसकी फिल्म अभी रिलीज होने वाली है, शूटिंग खत्म हो गई है उसकी। उस्मान खालिद भट्ट। सीधा हो गया। टेररिस्ट, बचर, प्राइम मिनिस्टर, असद, सीरिया, क्लोज बाय, टेररिस्ट, बुचर और प्राइम मिनिस्टर, गद्दाफी, नेबर, असद, गद्दाफी, नेतन्याहू। नहीं, शुरू से बता रहा हूँ। अच्छा, न्यूट्रल हो जाऊँ? न्यूट्रल हो जाऊँ, मिडिल ईस्ट से निकल आऊँ? नहीं नहीं, मैं नेबर का ना। अच्छा, नेबर, बुचर, टेररिस्ट, पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, कौन रह गया? मोदी। हाउ कैन इट टेक यू दैट मच टाइम? सॉरी, मैं मिडिल ईस्ट चली गई ना, तो नेबर पे मैं उधर, मैं नहीं, मैं पता हूँ, सोच लगी उनका नेबर, सीरिया के बाद में सोचने लगी यमन। बदकिस्मती से हमारा नेबर। अच्छा, क्या था? टेररिस्ट, बुचर, नेबर, बाकी अल्फाज मैं कह नहीं सकता स्क्रीन पे। अच्छा, क्योंकि वो आप नहीं चला पाएंगे। ओके, तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है आयशा खान, मौका तो देते कुछ और बोलने का। अच्छा, ये क्या है मेरे सर पे जो इसकी हंसी छुटी है? तब्दीली बस कर दो इमरान खान। तो बस क्यों कर दूं मैं? वैसे दैट वाज गुड, तब्दीली से एक ही लफ्ज़ में, एक ही लफ्ज़। हाँ, चलो, बहुत कमाल आदमी है वैसे। हाँ, नहीं, सीधा करो। पंजाब का शहर। हाँ, बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन तुम्हारी वालदा जहाँ से, वो नहीं, क्या क्लू था पंजाब? हाँ, क्या भाई, अब क्या, थोड़ा जरा ठहर जाओ ना। ये साउंड्स लाइक सोनी महिवाल। साहिवाल। हाँ, साउंड्स लाइक सोनी महिवाल। साहिवाल का क्या है वैसे फेमस? साहिवाल का नहीं है ना कुछ, I mean, मैं नहीं है वहाँ पे साहिवाल बहुत कुछ, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है ना जैसे कि वो सौगात जो होती है, I'm sure होगी, मैं पता नहीं, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हर शहर की होती है। टर्न इट अराउंड। हाँ, अच्छा, ओके, सब्जी है, जहरीली सब्जी है, मुझे बहुत करेला नहीं, कड़वी नहीं है, लेकिन डैश गोश्त बहुत पॉपुलर है। आलू नहीं, आलू नहीं, आलू के अलावा, आलू के गोल लगा? गोल होती है, हरी सी, शिमला मिर्च नहीं, हरी नहीं, शिमला मिर्च गोश्त नहीं, मशहूर ना। अच्छा। हरी होती है, साउंड्स लाइक गरम अंडे, सब्जी वाला टिंडे, टिंडे। यू कुड हैव जस्ट, व्हाट कुड हैव सेड कि टिंडे आता दिमाग में। एक स्पीच करें अपने होने वाले सास या ससुर से, आपको एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद है और आप उनको कन्विंस कर रहे हैं कि प्लीज अपनी बेटी हमें मुझे दे दें, तो आप होने वाली सास हैं। अच्छा, एक्टिंग में क्यों आए वैसे? सीएसएस कर रहे थे? सीएसएस कर लिया था पुलिस में, आई गॉट अपॉइंटेड इन पुलिस। एक्चुअली मुझे, मेरी डिग्री इंटरनेशनल रिलेशंस में, मास्टर्स, देन पुलिस, देन एक्टिंग वाज ऑलवेज अ हॉबी। It was a very passionate hobby. Okay. So I think I'm still discovering who I am, and I'm right now just playing around, and that's why you see very scattered things in my life. The acting is one of those things which I kept doing while I studied, while I did CSS, and that then I'm known for acting. Alag, main aur bhi bahut kuch karta hoon. So. लेकिन एक वो होता है। It's a passionate hobby. I think तुमने ये realize भी किया होगा ना कि अगर एक आप फेमस हो जाते हो तो आप जो यू हैव अ लॉट टू से, तो शायद जब आप फेमस हो तो जो आप बोल रहे हो वो लोग सुनेंगे। I was always saying that. Yeah, but people weren't listening as much now. But now you're famous, people are listening. तो पहले को सुनता नहीं था। अब सुनते हैं। तो अब सुनता। अच्छा, फिर मैं जब थोड़ा अल्लाह ने शोहरत दी तो मुझे a lot of people said that now don't say political things, don't say, अब ना बोला करो religious चीजों पे, ना बोला करो political चीजों पे, ना बोला करो क्योंकि फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर आप एक पार्टी, अगर मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, एमकेएम वाले, पीएमएलएन वाले, वो फैंस नहीं रहते फिर आपके। क्यों नहीं रहेंगे? तुम्हारी एक्टिंग के फैन है तो रहेंगे। ब्रांड सबसे पहले आपसे हाथ उठाते हैं अगर आप पब्लिकली पॉलिटिकल होते हैं। सो ब्रांड्स, ओके, यू
ब्रांड्स डोंट वांट यू एनीमोर, हां दे डोंट वांट टच यू. तो मैंने बड़ा सोचा फिर इस बारे में, लेकिन आई फेल्ट इंसल्टेड इफ आई चूज टू, अगर मैं डर जाऊं इस बात से कि यार मेरी फैन फॉलोइंग ना कम हो जाए, मैं ये ना बात करूं, मुझे बड़ा बुरा लगा. सो आई बिलीव के पॉलिटिक्स जो होती है ना, लोग कहते हैं कि तुम पॉलिटिक्स में स्टेप इन कर गए. मैं पॉलिटिक्स में स्टेप इन नहीं किया, मैं पॉलिटिकल हूँ. इंसान, हर पाकिस्तानी को, हर इंसान को पॉलिटिकल होना चाहिए टू केयर. नहीं नहीं देखिए, नहीं नहीं होना चाहिए. Being a politician is a different thing. Being political is a. नहीं, I think बहुत variety चाहिए होती है. हर कोई political ना हो यार. एक second. What is politics? Political क्या होता है कि यार मुझे represent कौन कर रहा है? मेरे मसले किसने solve करने हैं? Politics affects everything of, in your existence. आपकी सांस लेने में भी politics का अमल दखल है. Art affects everything in your existence. Music politics, affects everything in your not existence. Not everything. Not everything. You go to the bathroom, पानी नहीं आता, वो भी politics की वजह से. हाँ ये तो है. बिजली नहीं आती, वो भी politics की वजह से. इस मुल्क में. Pollution जो बाहर है, वो भी politics की वजह से. इस मुल्क में. इस मुल्क में. अगर आज आपकी, आपको किसी को शिकायत है कि आपकी wages कम है, politics की वजह से. So politics governs each and every aspect of your life, and yet we, the पढ़ी लिखे पाकिस्तान, exposure है पाकिस्तानियों को. We are the class who choose to stay away from politics. But then at the same time we expect ki hamara mulk behtar ho jayega. Haan. To ye kaise hoga? Ye to hai. Jaise film industry thi. Haan. Jab ne filmein chhodi hui thi, jo kuch Lahore ke Gujjar Jatt the, unke upar film industry chhodi hui thi, aapne film industry ke halaat dekhe the. Jab acche padhe likhe log, Bilal Lashari, Mareen Jabbar, Yasir, nahi to sahi. Nahi, bilkul sahi nahi tha, I'm sorry. Galat tha wo. Nahi, aapki puri film shuru hoti hai, Gujjar galiyan de raha hai, Gujjar उधर गया है वहां, एक खातून नाच रही, गुज्जर ने 500 बंदा मार दिया, गुज्जर लहू लुहान होके आ गया, फिर दिखा रहे हैं कि जी डकैत जो है वो पुलिस वालों को मार रहा है. डू यू इवन रियलाइज व्हाट इट हैज डन टू द सदर्न पंजाब कल्चर. मैं अगर एक पढ़ा लिखा शहरी हूँ पाकिस्तान का, तो आई शुड केयर अबाउट द फैक्ट कि यार मुझे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है और अकाउंटेबल हो. बिजली नहीं बन रही तो क्यों नहीं बन रही? हाँ. अच्छा एक चीज मैं तुमसे पूछूंगी, ये सब बहुत जरूरी है. तुम बहुत एक इंटेंस से आदमी हो, क्योंकि मैंने तुम्हें डिनर्स पे भी देखा हुआ है, मैंने तुम्हें पार्टीज पे भी देखा हुआ है, मैंने तुम्हें दावतों पे भी देखा हुआ है, मैंने तुम्हें टीवी पे भी देखा हुआ है, मैंने तुम्हें ड्रामों में भी देखा हुआ है. तो यू, योर पर्सोना इज कॉन्स्टेंटली वेरी इंटेंस. डिपेंड्स ऑन व्हाट यू मीन बाय इंटेंस. यू ऑलवेज हैव समथिंग टू से, या कोई ओपिनियन होता है तुम्हारा, या कोई चीज तुम्हें तंग कर रही होती है, या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, या कुछ होता है कि यहाँ कुछ कुछ गलत है या कुछ सही भी है, तो फिर तुम, आई मीन तुम सीरियस बनते हो. I do have fun. I have so much fun. I can't imagine. Why do people think fun? I'm a dry person? Because yeah, you just give that impression. I have a lot of fun. I recently and bought a glider. And also the fun we hear is also how many people, like really risky fun. How many people do you know who have motorized gliders? I do. Motorized glider hai? Mere paas bilkul, I have a lot of fun on that. Video games bahut pasand hai na tumhe? Video games bahut pasand. I'm a huge FIFA and Call of Duty fan. So yes, I have fun. You do unwind. You but I don't make life about fun. Okay. There's much more to life. Then having fun and having a good time. There's much more to life. Recently, Junaid Jamshed passed away. I knew the man very well. One of the most misquoted people in the media. Can I just add one thing to that? Recently, 47 people passed away. 47 people passed away. Yeah. 48. 48 was it? 48. Including him? 48 But Junaid Jamshed feels like a personal loss to a lot of people. Because ek to mashhoor the. They knew him. For me, because I knew him very personally. तो अब जब आप देखते हैं आपके क्लोज फ्रेंड्स गो, तो एक बिलीफ आपका रिफ्रेश हो जाता है कि इवेंचुअली आई विल आल्सो बी लाइक देम. एंड जस्ट लाइक पॉलिटिक्स, यू नो, डाइंग इज समथिंग वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट. नो, आई थिंक इट्स गोना हैपन विद एवरीवन. सो इसलिए मैं टेंस नहीं हूं. आई जस्ट बिलीव इन नॉट हैविंग अ गुड टाइम ऑल द टाइम. ऑल द टाइम कुछ सब्सटेंशियल भी जिंदगी गुजरे और देन. हां, सही है, सही है. सुना है कि तुम काफी डिफिकल्ट हो सकते हो काम पे भी. यू कैन बी डिफिकल्ट टू वर्क विद. इज दैट ट्रू? नो, कांट इमेजिन दो. आई एम नेवर डिफिकल्ट. नेवर डिफिकल्ट. आई एम द लोएस्ट मेंटेनेंस आदमी. रियली? लुक एट मी. व्हाट? मेरे नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात. अरे वाह. एंड आई डिलिबरेटली ट्राई नॉट टू कॉज एनी प्रॉब्लम्स. सही है, गुड. And I hate people who cause problems. हाँ, ripples जो cause करते हैं. बात okay. अच्छा, मैं improv करवाना चाहती हूँ आपसे. अच्छा. Okay? तो आप जरा आ जाएं उसमें. चाहिए कि आप एक speech करें अपने होने वाले सास या ससुर से. आपको एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद है और आप उनको convince कर रहे हैं कि please अपनी बेटी हमें मुझे दे दें. Please.
लेकिन हमजा स्टाइल में ही करना तो आप होने वाली सास है। चलो हाँ ओके, मुझे होने वाली सास बना दो। हाँ सुसर ये रहे, सुसर ये रहे। देखें मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और मैं जो हूँ ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा वेकेशन, साल में एक दफा वेकेशन पे ले जाऊंगा जी। साल में एक दफा बस? दो दफा चले, चले हाँ। खुश रखूंगा, चीट नहीं करूंगा आपकी बेटी पे। ये मैं नहीं मान सकती ये बात, क्योंकि जो मैंने आपके बारे में सुना है ना बेटा, वो मुझे लगता नहीं है कि आप चीट नहीं करेंगे कभी मेरी बेटी के साथ। अगर मैं शादी कर रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं शादी करने की। अगर मैं कर रहा हूँ तो उसका मतलब मैं नहीं चीट करूंगा। अगर मैं चीट करना होता तो मैं शादी ना करता। सो सोच लें। अच्छा सही। और क्या मेरी बेटी को अलग रखोगे? नहीं, मैं अम्मी को नहीं छोड़ सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा जवाब। तो इसका मतलब है कि अम्मी को रखोगे तो फिर आगे जाके हमें भी रख लोगे साथ? आ जाएं, कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक है, पास, ठीक है, ओके, नेक्स्ट। तो पास हो गए? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तुम आठवीं दफा ऑस्कर जीते हो और तुम बोर हो गए ऑस्कर स्पीचों से और तुमने सारे अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स कर लिए। हाँ, तो अब तुम क्या बोलोगे, क्योंकि पूरी अमेरिकन फ्रेटर्निटी तुम्हारे सामने, मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग। पॉलिटिक्स की बातें करना शुरू कर देंगे। कर दोगे ना तुम? हाँ, तुम्हें है ये मसला? यू डोंट वांट टू गो इनटू दैट। यू कांट जस्ट से थैंक यू सो मच, आई वुड नेवर से दैट। नो, पॉलिटिक्स, आईड यूज दैट प्लेटफॉर्म, बट दैट यू शुड, दैट यू शुड। अच्छा, मुझे संभव लग रहा है कि ये कुछ, अगर मैं आंखें बंद करूं तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में शायद ये हो सकता है, लेकिन आप नेशन को एड्रेस कर रहे हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं कर रहा हूं एड्रेस। हो सकता है तुम हो सकते हो प्राइम मिनिस्टर अगर तुम होना चाहो तो। देखिए, अगर मैं देखो, व्हाई एम आई फॉन्ड ऑफ इमरान खान? वी ऑल नो व्हाई यू आर फॉन्ड ऑफ इमरान खान। व्हाई? Because you've told us 5 million times, that is not my question. My question is, Achha. What will you say to the nation? If I ever become prime minister, I would beg my people. I would not request them. I would beg them. Then give the speech na. कि मैं जी आपसे भीख मांगता हूँ इस बात की कि शऊर जो आपको अल्लाह ने सही और गलत का दिया है, उसको आउटलाइन बनाए अपनी जिंदगी की। प्रैक्टिकलिटीज समझ के झूठ बोल रहा है, सियासी बयान जी, झूठ को एक्सेप्ट कर लिया, सियासी बयान। बिजनेस के अंदर हमने झूठ को एक्सेप्ट कर लिया है, हमने सियासत में झूठ को एक्सेप्ट कर लिया है, सियासत में करप्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। वी वर नॉट सपोज टू बी दिस, वी वर फाउंडेड ऑन सच ग्रेट आइडियल्स कि हमने ये करना है जी, मदीना आसानी से लेकर फलाना तो राइचियस पीपल, पाकिस्तान पाक लोगों का मुल्क। नहीं, I don't believe in secular. We don't need to be secular. It was built on being secular. It was not built on being secular. अच्छा चलें ये एक और। नहीं नहीं, in short, you're also right. एक साइड पर उन्होंने कहा जी हमारी इकोनॉमी इस्लाम पे बेस्ड होगी, हमारा मुआशरा इस्लाम पे बेस्ड होगा। दूसरी साइड पे कहते हैं the state has nothing to do with your religion. You're free to go to your temples and that is Islam. Secular पिछले 300 साल में बना ना secularism. हाँ. Islam has been there for 1400 years. Read the constitution of Medina. Yeah. It was. Your religion was, you have read it, right? It was not the business of the state of Medina, whose head was the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself, ki aap Jew hai, Christian hai, Muslim hai. So it was Islam. Secularism as a package has a lot of bad things in it. Ki they discourage religion in a lot of ways. France is secular. You can't wear a headscarf there. So it's in a lot of ways, secularism is anti-religion. If by secularism you mean ke your religion is your private matter, then that's what Islam says. Not the Islam of the siyasi mullahs. हाँ, वो एक और फिर वो but the actual one. Actual one. और ये भी एक टैबू तोड़ने की ज़रूरत है कि रिलिजन पे बात सिर्फ मौलवी कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत गलत है वैसे। तुम दोबारा आओ ना फिर शो पे, फिर एक पूरा ये तो टाइम खत्म हो गया। नहीं यार, जरूरी है ये चीजें डिस्कस करना, क्योंकि हम डरते रहते हैं, डरते रहते हैं, डरते रहते हैं, और डर की वजह से और उसके साथ बाय बाय कह दें, खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।